हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक अमेजिंग पैरेलेक्स स्क्रॉलिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, यहां पे देखिए, जैसे ही हम करते हैं पेज को स्क्रॉल, यहां पे आपको एक इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारा जो सेकंड वाला सेक्शन है वो उसी जगह पे फिक्स्ड है। और ये देखिए, जैसे ही हमारा थर्ड सेक्शन ऊपर की तरफ आता है तो ये वाला सेक्शन भी आपको एक अलग इफेक्ट के साथ में दिखाई दे रहा होगा। और करते हैं स्क्रॉल, तो ये हमारा फोर्थ वाला सेक्शन है जो आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल होके दिखाई दे रहा है। सो अगेन चेक करते हैं, देखिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। सो ये इफेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और साथ में ही जो बेसिक स्टाइलिंग है उसको अप्लाई कर रखा है। और यहाँ पे मैंने चार सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं और जिनको मैंने एक ID दी है, ID 1, ID 2, ID 3 एंड ID 4। अब इनको हम स्टाइल करने वाले हैं, तो आते हैं हमारे स्टाइल टैग के अंदर और सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है उसको स्टाइल कर लेते हैं। सेक्शन की विड्थ और हाइट हम सेट कर देंगे 100% की। चलिए विड्थ कर देते हैं 100% और हाइट कर देंगे 100 VH यानी व्यू पॉइंट हाइट। और डिस्प्ले कर देंगे इसके अंदर ग्रिड, ताकि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में रहे। और प्लेस आइटम कर देते हैं सेंटर, यानी प्रॉपर वर्टिकली भी हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में रहे। अब जो हमारे सेक्शन 1 है जिसकी ID हमने सेट करी है 1, इसको कॉपी करते हैं, स्टाइल टैग में आते हैं और यहाँ पे हैश के साथ में कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि ID है इसके लिए हैश साइन हमें लगाना पड़ेगा। अब चलिए इसके अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बैकग्राउंड सेट कर देना है। तो बैकग्राउंड में हम लगाएंगे URL, इमेज का नेम है हमारा BGIMG1.jpg और बैकग्राउंड साइज सेट कर देते हैं उसकी कवर, सेम एज इट इज हमारे जो बाकी के सेक्शंस हैं उनके लिए भी इमेज सेट कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, देन करते हैं पेस्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इमेजेस कर लेते हैं चेंज। सो इमेजेस हमने यहाँ पे चेंज कर लिए, लेकिन ID हमने अभी तक चेंज नहीं करी है, तो यहाँ पे ID भी चेंज कर देते हैं 1, 2 और इसको कर देंगे 3 एंड देन यहाँ पे कर देंगे 4। चलिए फाइल को सेव करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट। सो ये देखिए, हमारा सेक्शन फर्स्ट आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है और ये हमारा सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 और ये सेक्शन 4, लेकिन हमारा इफेक्ट अभी भी बन के रेडी नहीं हुआ है। तो चलिए इफेक्ट बनाने के लिए एक सिंगल लाइन हमें लिखने की जरूरी है। वो सिंगल लाइन क्या, देखिए हमें सेक्शन सेकंड और थर्ड के अंदर बैकग्राउंड अटैचमेंट सेट कर देना है। तो यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे फिक्स्ड। इसी लाइन को हमें कॉपी कर लेना है और जो थर्ड वाला सेक्शन है इसके अंदर भी हमें इस लाइन को पेस्ट कर देना है। अब करते हैं सेव, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए, जैसे ही करते हैं हमारे पेज को स्क्रॉल, हमारा पैरेलेक्स इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी जरूर करना।